बेस्ट ये है fact. ताइवान चाइना से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड, जो इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज बना हुआ है। ताइवान के मुताबिक ये चीज जान लीजिए कि ये छोटा सा आइलैंड आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की तकदीर तय करने वाला है। जो भी ताइवान को कंट्रोल करेगा 21वीं सदी का मालिक वही होगा। ऐसा क्या राज है 2 करोड़ की इस छोटी सी आबादी वाले मुल्क में कि आज दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स इसका कंट्रोल हासिल करना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोस्तों, अभी हाल ही में ताइवान और चाइना के दरमियान पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अगर चाइना और ताइवान के दरमियान जंग शुरू हो गई तो इसके वो असरात होंगे कि लोग रशिया यूक्रेन तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ताइवान के मुताबिक 2 ऐसे फैक्टर्स है जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। ताइवान की हिस्ट्री की बात करें तो ताइवान पर हजारों साल से बीजिंग में मौजूद चिंग डायनेस्टी की हुकूमत रही है। फिर 1895 में जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया और अगले 50 साल तक उस पर हुकूमत की। इसी दौरान चाइना के कम्युनिस्ट और चिंग के नेशनलिस्ट के दौरान एक जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हो गई। कम्युनिस्ट ये जंग जीत गए और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आ गया। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट चाइना से भागकर ताइवान आ गए और तब से लेकर आज तक ताइवान उन नेशनलिस्ट के कंट्रोल में ही है। एक तरफ ताइवान है जो अब एक डेवलप्ड वेस्टर्न ओरिएंटेड कंट्री बन चुका है, जो किसी भी हाल में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में नहीं जाना चाहता, और दूसरी तरफ चाइना है जो अभी भी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बताया कि ताइवान को दोबारा बीजिंग के कंट्रोल में लाना चाइना का एक हिस्टोरिक मिशन है और इस मिशन को पूरा करने के लिए चाइना किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन क्या वाकई चाइना ताइवान पर अटैक करेगा और क्या अमेरिका, जो कि ताइवान का अनऑफिशियल प्रोटेक्टर है, ये सब होने देगा? 70 साल गुजरने के बावजूद ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बन सका। आज की डेट में सिर्फ 15 छोटे कंट्रीज ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं और इसकी वजह ये है कि चाइना ताइवान को सिर्फ एक बागी प्रोविंस समझता है और किसी भी ऐसे मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड करता हो। अब चाइना 1.5 अरब की आबादी के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और इसीलिए सारी दुनिया इवन की अमेरिका भी इस इश्यू में पब्लिकली चाइना को सपोर्ट करता है और ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अनऑफिशियल सपोर्टर भी है। अमेरिका अब तक अरबों डॉलर के हथियार ताइवान को बेच चुका है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, मिसाइल और सबमरीन शामिल है। अमेरिका के बहरी जहाज भी हर महीने में एक दफा ताइवान स्ट्रेट में जरूर पेट्रोल करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी अभी पिछले अक्टूबर में ही पब्लिकली कहा है कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसे हर हाल में डिफेंड करेगा। लेकिन अमेरिका ताइवान के लिए चाइना जैसी स्ट्रांग मिलिट्री से टक्कर क्यों लेगा? इसकी सबसे पहली वजह है चाइना की जियोग्राफी में आई हकीकत। चाइना के पास 14,000 किलोमीटर से लंबी दुनिया की 10वीं बड़ी कोस्ट लाइन है जो पैसिफिक ओशन को टच करती है। चाइना की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं साहिली इलाकों में रहती है। दुनिया के बड़े पोर्ट सिटी जैसे कि हांगकांग, शेनजेंग और शंघाई वगैरह इसी कोस्ट लाइन पर है और यही शहर चाइना की इकोनॉमी को बाकी दुनिया की सप्लाई चेन से कनेक्ट करते हैं और यहीं से सारी दुनिया को चाइना अपनी चीजें एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इन सारे रास्तों में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि जापानीज आर्किपेलागो और फिलीपींस वगैरह, जिनकी वजह से ऐसे चौक पॉइंट्स बने हुए हैं। चाइना की बदकिस्मती ये है कि ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है और ये उसके दोस्त है, तो चाइना के सारे समुद्री जहाज असल में उन चौक पॉइंट से गुजर कर जाते हैं जो उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के कंट्रोल में है। और ये सब अमेरिका ने बहुत इंटेंशनली 1950 में डिजाइन किया था, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना पे कब्जा किया था
तभी अमेरिका का इस पॉलिसी बनाने का मकसद था कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अपना कंट्रोल और डोमिनेंस बरकरार रखना। अब चाइना के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में अमेरिकन नेवी और उसके ये दोस्त आइलैंड्स या चौक पॉइंट ब्लॉक कर सकते हैं, और ऐसा कदम पूरी चाइनीज इकोनॉमी को घुटनों पर ले आएगा। इसीलिए ताइवान अमेरिका और चाइना दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर फर्ज करे कि चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया, तो ना सिर्फ अमेरिका की एक बहुत बड़ी आउटपोस्ट हाथ से निकल जाएगी, बल्कि चाइना के लिए बाकी पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स पर कब्जा करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ पहली वजह है जो ताइवान को इतना खास बनाती है। दूसरी वजह इससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ताइवान दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाला मुल्क है। ये वो चिप है जो तमाम सिविलियन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यूज होती है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह। पूरी दुनिया की तकरीबन 65% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनती है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे TSMC कहते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है। अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनीज जैसे कि इंटेल, एनविडिया, AMD और एप्पल वगैरह ने भी अपनी चिप प्रोडक्शन TSMC को आउटसोर्स की हुई है, मगर दूसरी तरफ वो बहुत ही TSMC पर डिपेंडेंट है। और अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा किया, तो अमेरिका के सारे एडवांस मिलिट्री वेपन्स और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसका आसान मतलब ये है कि चाइना के कंट्रोल में वो चीज आ जाएगी जिस पे सारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इवन मॉडर्न हथियार डिपेंडेंट है। इसका लाजमी नतीजा यही होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर में चाइना पूरी दुनिया में टॉप पे आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया की कुल 60% सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग चाइना में है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना ज्यादातर ताइवान से ही ये चिप्स इंपोर्ट करता है, बल्कि ताइवान चाइना ट्रेड का 50% सेमीकंडक्टर चिप्स ही है। तो चाइना ताइवान जंग की सूरत में अमेरिका और यूरोप ही नहीं, बल्कि टेम्पररी तौर पे चाइना भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होगा। और मुख्तसिर कहूँ तो अगर जंग की सूरत में ताइवान ने चिप की प्रोडक्शन रोकी, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाइना ताइवान पर हमला नहीं करेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा करना है, तो उसके पास सिर्फ 2030 तक का टाइम है, क्योंकि तब तक अमेरिका और यूरोप बहुत हद तक अल्टरनेटिव ड्रॉप कर चुके होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छा चुकी होगी, और शायद ये सारे देश चाइना से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हो। इसीलिए अमेरिकन थिंक टैक्स के मुताबिक 2022 से 2026 के दौरान कभी भी चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है, और इसीलिए चाइना पिछले कुछ अरसे से बहुत एग्रेसिव ही रिएक्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली अमेरिकन हाउस स्पीकर के विजिट के बाद चाइना ने ताइवान के बिल्कुल करीब समंदर में बहरी मुश्किल शुरू कर दी है। इस जंग में शिकस्त चाइना के लिए बहुत शर्म का मुकाम होगा, और उसका दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर बनने की ख्वाहिश पर एक सवालिया निशान आ जाएगा। दूसरी तरफ इसमें कामयाब होना अमेरिका और उसके अलायंस का हौसला तोड़ देगा, और एशिया में चाइना की भरतरी कायम हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप उस एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स से भी हाथ धो सकते हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की है। इस जंग की सूरत में बाकी दुनिया के मुल्क क्या रिएक्ट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि इसके असरात रशिया यूक्रेन वॉर से ज्यादा खतरनाक होंगे, और ये भी मुमकिन है कि अगर दूसरे ताइवान की मदद को आए, तो एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और हमने बहुत मुश्किल से इसे समराइज किया है, इसलिए इसे शेयर जरूर करें। आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करेगा, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।